जस्टिस कोई बात जस्टिस हमारी मांगें पूरी करो लेके रहेंगे अपना हक परिणाम लिए के कुरुक्षेत्र में से लागू करो हमारी पूरी करो। मैं अजीत सिंह नॉन गजेटेड रिटायर पुलिस वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर हमारा जो मसला है बहुत देराना मसला है, 1196 से जब फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ तब से लेकर आज तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और पूरी स्टेट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट दिया गया, जबकि हमें ASI हेड कांस्टेबल दोनों रैंकों को डिनाई किया गया। तब से लेकर आज तक एज इट इज 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में भी हमारे साथ यही बर्ताव रहा और हमने वक्ती तौर पर जितने भी चीफ मिनिस्टर साहबान थे सबको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और उनको बोला, सब उन्हें लारे बाधे और जान से ही दिए। हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की तो हम अब मजबूर होकर हम सड़कों पर प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। और हम सीनियर सिटीजन हैं जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी मुल्क की एकता अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निछावर किया और अपना एक सुनहरी जो ज़िंदगी का वक्त जो मुल्क को दिया, तो आज ये आश्चर्य हमारा है कि हम सीनियर सिटीजन सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों के संदर्भ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि ऐसा ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट हैं उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, तो अब हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें रात की सांस मिले। दूसरी बात ये है जो मेडिकल अलाउंस है ये 2017 में 1000 रुपया सेंटर एम्प्लॉय को दिया गया, तब से लेकर आज तक हमें वो 300 रुपया ही दिया जाता है। अब ये हम बोलते थे कि भाई ये यूटी बनी है तो यहाँ पर सेंट्रल रूल अप्लाई होंगे, तो हमें देखने में तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर सेंट्रल रूल अप्लाई होते तो 2017 से ही हमारे साथ ये मेडिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मेडिकल अलाउंस भी हमें 1000 रुपया मिलता। तो ये कहने की बात है और हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल शेप में ये हमारे साथ जस्टिफाई और इंसाफ किया जाए ताकि हमें रात की सांस मिले। आज आपको मालूम है कि मेडिसिन के जो भाव हैं आकाश को छू रहे हैं इस महंग भाई के दौर में, आज हमें अपनी जो मेडिसिन लेना भी बड़ा मुश्किल हो गई है। तो आज हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे और बाकी जो रहते हैं वो बेडों पर पड़े हैं। तो अब मैं गवर्नर साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन से जस्टिफाई किया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए।